नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। मेरे पास बहुत ही क्वेरी आ रहा था कि सर आप सुजलॉन एनर्जी का वीडियो बनाइए, तो चलो आज हम इसी पे वीडियो बनाते हैं, आज इसका हम एनालाइज करते हैं। इस कंपनी के बारे में आप सभी तो जानते हैं कि इस कंपनी पे बहुत ही ज़्यादा कर्ज है, इसे चलाना भी मुश्किल हो गया है। इस कंपनी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं, लेकिन जो भी खबरें आती हैं वो नेगेटिव ही रहती है, इसमें पॉजिटिव की खबर बहुत ही कम आती है। इस कंपनी ने 4400 करोड़ का एनसीडी प्लान लाया है, जिससे इनके जो कर्ज है उसको चुकाने में रीस्ट्रक्चर किया जाए। तो उनका कर्ज कम करने के लिए इन्होंने 4400 करोड़ का एनसीडी प्लान लाया है। एक्चुअल में हम इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का माली हालत बहुत ही ख़राब है। यहाँ तरह तरह की खबरें आ रही हैं, इनका बिजनेस चलाना भी मुश्किल हो गया है, इनके पास बिजनेस चलाने के लिए भी कैश फ्लो की कमी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 3000 करोड़ के ऊपर का है। इसकी 52-week हाई लो की बात करें तो 1.65 रुपये का इसका लो है और 6.19 रुपये का इसका हाई है। इसका बुक वैल्यू माइनस में है, जैसे कि आपको पता है कि इसका हालत बहुत ही ख़राब है, तो इसका बुक वैल्यू तो माइनस में रहेगा ही। इसका सेल्स ग्रोथ भी देखिए तो वो भी बहुत ही ज़्यादा माइनस में, आप देख सकते हैं लगभग 38% माइनस में इसका ग्रोथ है। इसका फेस वैल्यू 2 रुपये का है और इसके पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में 370 करोड़ रुपए लॉस था, 2019 में 1527 करोड़ का लॉस था और 2020 में 2642 करोड़ का लॉस था। तो आप इसका 3 साल का रिजल्ट देखें, ये कंटिन्यूस अपने लॉस को बढ़ा रहा है, 3 साल से कंटिन्यू लॉस बढ़ रहा है। तो इस कंपनी में और ही ज़्यादा कर्ज बढ़ गया है, इनका जो बिजनेस करने का जो स्प्रेड करने का प्लान था वो भी एकदम रुका हुआ है। अगर इसकी शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो लगभग 19% प्रमोटर के पास है, FII के पास लगभग 3% है, DII के पास लगभग 40% है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो प्रमोटर के शेयर हैं उनमें जो प्लेस्ड है वो सिर्फ 55% है। इन्होंने पिछले 3 साल में अपना प्लेस शेयर को मतलब गिरवी शेयर में अपना परसेंटेज कम किया है। तो एक इसमें छोटा सा पॉजिटिव चीज़ यही है कि इनके जो प्रमोटर के शेयर है वो पिछले 2-3 साल से तुलना करें तो उनका शेयर प्लेस्ड परसेंटेज कम हुआ है। यह कंपनी अभी जो एनसीडी प्लान ला रहे हैं, इससे ही इस कंपनी का आगे का फ्यूचर का पता चल पाएगा कि वह इस प्लान को कैसे अपना कर्ज कम करने के लिए करेंगे, क्या इनका बिजनेस स्ट्रेटजी होगा, कैसे एक्सपेंशन करेंगे, कैसे न्यू बिजनेस आइडिया लेके आएंगे। लेकिन एक चीज़ इस कंपनी में अभी भी अच्छा है कि ये इनकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कहीं कुछ प्लान निकाला जाए और इस कर्ज का कुछ सॉल्यूशन लाया जाए और फिर से प्रमोटर्स का और जो शेयर होल्डर है उनका भरोसा इस कंपनी पर लाया जाए। तो ये तरह तरह का आइडिया लेके आ रहे हैं, लेकिन आइडिया लेने से ही कुछ नहीं होगा, अब इसे एक्सिक्यूट करना पड़ेगा। अगर आप इस कंपनी पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो थोड़े समय के लिए रुक जाइए, इस कंपनी में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आने दीजिए, फिर उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। क्या ऐसे कंपनी में आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है? एक तरह से तो ये पेनी स्टॉक ही है। पेनी स्टॉक तो आप ऐसे ही जानते हैं कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है, लिक्विडिटी का कमी रहता है, तो आप इस कंपनी से बच के रहें। इस कंपनी पे जब स्टेबिलिटी आएगा उसके बाद इस कंपनी पे निवेश करें, ऐसे स्टॉक से हमेशा दूर रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे एक चीज़ है, अगर यह स्टॉक चल जाए तो प्रॉफिट भी ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ रिस्क उससे भी ज़्यादा है, तो इस स्टॉक से बच के रहें। तो दोस्तों, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।